बॉलीवुड दीवा उर्मिला मातोंडकर सिल्वर स्क्रीन पर सालों बाद वापसी कर रही हैं। मूवी में वे बेवफी ब्यूटी सॉन्ग पर थिरकती नजर आ रही है। यह सॉन्ग रिलीज हो गया है। गाने में उर्मिला काफी एक्सप्रेसिव नजर आ रही हैं। हालांकि वे हल्के फुल्के स्टेप्स पर डांस करती दिख रही हैं। इतने सालों बाद पहले पर्दे पर उर्मिला को देखना फैंस के लिए ट्रीट की तरह है। गाने में म्यूजिक 90 के दशक की याद दिलाता है। लिरिक्स में बीवी की बेवफाई और चीटिंग को बयां किया गया है। एक्ट्रेस काफी खूबसूरत लग रही है। एक्ट्रेस अपने जबरदस्त डांस मूव्स के लिए मशहूर हैं। अपने दौर में उन्होंने कई बेहतरीन डांस सॉन्ग किए हैं। बेवफा ब्यूटी सॉन्ग को पावनी पांडे ने गाया है और अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया है। इसके बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। फिल्म के डायरेक्टर अभिनव देव ने उर्मिला के इस गाने पर कहा, मैं फिल्म में कोई आइटम नंबर नहीं चाहता था। हम एक ऐसा गाना चाहते थे जिसका फिल्म में होने का वजूद हो और जो फिल्म की कहानी को बयां करे। इस गाने के लिए हमें आइटम गर्ल की जरूरत नहीं थी, हमें एक परफॉर्मर चाहिए था, एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो काफी समय से फिल्मी पर्दे से दूर हो। ऐसे में मेरे ख्याल से उर्मिला इस सॉन्ग के लिए एकदम परफेक्ट थी। बता दें, अभिनव देव इससे पहले डेली बेली जैसी फिल्म बना चुके हैं। इरफान खान के अलावा फिल्म में दिव्या दत्ता, कीर्ति कुलाहरी और अरुणोदय सिंह भी लीड रोल में हैं। फिल्म 6 अप्रैल को रिलीज हो रही है।